हमारी जो भी प्रक्रिया है, जो भी हमने अंडरस्टैंडिंग ली है, जो भी हमने कॉन्सेप्ट की बात की है, दैट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारी मूलभूत प्रक्रिया है। तो आप लगने, अब मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने सुबह किया होगा, जो पहली बार आए उनको मैं थोड़ा बेसिक उनको समझा देता हूँ कैसे करना है ध्यान, और फिर वही हम मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा लॉन्ग टाइम लेंगे, सुबह हमने 20-30 मिनट किया था, आज हम अभी थोड़ा आधा घंटा के आसपास लेंगे। सो यू विल बी कंफर्टेबल बाय टुमारो। आपका बॉडी, आपको जो सिचुएशन आप दे रहे हो उसे उसे वो एक्सेप्ट करने लगे। तो सबसे पहले ध्यान कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ, और फिर हम प्रैक्टिकल ध्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात है कि ध्यान करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कि कोई एक्टिविटी मूवमेंट आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए, ना मन की एक्टिविटी, ना शरीर की एक्टिविटी, ना आपको किसी जगह पर देखना है, ना किसी जगह को पकड़ के रखना है, ना किसी मंत्र का चैंटिंग करना है या म्यूजिक सुनना, कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पास रहना है। एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद द माइंड एक्टिविटी वो आपको नहीं करना। आप जैसे कि यहाँ पर बैठे हुए, आपको बोलो कि ये जो गद्दा है ना, ये उठा के यहाँ रख दो, ये इसको उठा के यहाँ रख दो, इट इज यूजलेस एक्टिविटी। पर आप जब भी करोगे ना तो आपका टाइम निकल जाता है, यू विल फील गुड। क्यों? क्योंकि टाइम निकला। तो यही प्रक्रिया अगर हम ध्यान के दौरान नहीं करते, तो ध्यान में हमें टाइम निकालना नहीं है। आधा घंटा बैठ के आ गए और आधा घंटा निकाल लिया, दिस इज नॉट अ वे। आपको यह आधा घंटे का पूरा अनुभव करना है। एक एक सेकंड आपके साथ होनी चाहिए, आपके कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। एट द एंड हर ध्यान के बाद आपका कॉन्शियसनेस लेवल अप होना चाहिए। तो कैसे करना है मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते शरीर के बारे में। शरीर की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहली बात है कि आपको एकदम आपके कंफर्टेबल पोस्चर में लेना है। आप हाथ पैर लंबा कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट ले लीजिए, जैसे करना हो बैठ सकते हो, पर अल्टीमेटली आपको आपकी कंफर्टेबल पोस्चर लेनी है। क्यों? क्योंकि जब आप ध्यान में बैठोगे तब आपको शरीर हिलाना नहीं है। अगर आप शरीर हिला दोगे तो क्या होगा, तो रिलैक्सेशन की जो बेसिक प्रोसीजर है वही पूरी नहीं होगी। फिर आपस जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बैठे ध्यान में, आँख बंद करके बैठे हो, शरीर जरा सा हिला दिया, वापस ध्यान में बैठ गए, तो आप क्या कर रहे हो, 0 से 10 तक जा रहे हो, वापस 0 तक जा रहे हो, वापस 0 से 10 तक आ रहे हो, वापस 0 तक पहुंच रहे हो, पर आप उससे आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे। मैं समझता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आप पहली बार बैठे हुए होते हो तो थोड़ा हाथ पैर में थोड़ा चकरन सी हो जाती है, पर वो तो होनी है क्योंकि पहली बार बैठे हो। तो थोड़ा उसको एक्सेप्ट करोगे, वो ऐसा हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लो, तो धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका हाथ कहाँ है, आपका पैर कहाँ है, तो उसका पेन होगा वो भी नहीं पता चलेगा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, इट विल बी कम्फर्टेबल, आप अपने आप को कम्फर्टेबल करते जाओगे। कहने की बात यही है कि आपको अपने आप को कम्फर्टेबल रखना है। एक बार बैठ गए उसके बाद कुछ भी हो जाए शरीर की मूवमेंट होनी चाहिए नहीं। तीसरी बात यह है कि जब आप ध्यान में बैठोगे तब किसी भी प्रकार का टेंशन या खिंचाव अपने हाथ में अपने शरीर में नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति ध्यान में बैठा होता है और उसके दांत होते हैं ना एकदम स्ट्रांगली उसमें बिड़ रखे होते हैं, अगेन दिस इज अ टेंशन, ये भी एक प्रकार का टेंशन ही है। उसी प्रकार जब आप ध्यान में बैठे हो तो आपने पैर खींच के रखे होते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कैसा हुआ, तो दिस इज अगेन अ टेंशन। तो ऐसे किसी भी प्रकार का पूरा शरीर, मैं जब ध्यान में बैठता हूँ मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा शरीर और मन भगवान को सौंप के बैठ जाता हूँ, भगवान को आरती के बैठ जाता हूँ।
मैं थोड़े समय पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया में गया था, वहाँ पर एक व्यक्ति मेरे पास आया। मैंने उसको पूछा, सुबह क्यों नहीं आया क्या? मैं तो आपको सुबह से वेट कर रहा था, सुबह क्यों नहीं आया? बोले कि हमारी कंपनी में शटडाउन चल रहा है। मैंने मतलब आई एम नॉट इंडस्ट्रियल पर्सन, मुझे तो पता भी नहीं कि ये सब क्या है। तो मैंने उसे पूछा कि ये शटडाउन क्या है? तो बोले शटडाउन का मतलब ये है कि आप एक साल तक आपका पूरा प्लान 24 घंटे काम करता है। एक शिफ्ट खत्म हुई, दूसरी शिफ्ट चालू हुई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी चालू हो गई। सो ये कंटिन्यूस चालू होता है, पर ये 15 का भी पीरियड बीच में होता है। एक साल के बाद वो लोग ऐसा पीरियड खड़ा करते हैं कि जिस दौरान इस पीरियड के अंदर आपको कुछ नहीं, नो प्रोडक्शन एट ऑल, ओनली मेंटेनेंस। जहाँ पर ऑयल कम है ऑयल लगाओ, ग्रीस कम है ग्रीस लगाओ, जहाँ पर कोई पार्ट टूटा हुआ है, जरा सा भी टूटा हुआ है, चेंज कर दो। एंड 15 का आप जो मेंटेनेंस करोगे उसके बाद वापस प्लान को शुरू कर दो। तो मैंने उसे पूछा, अगर प्लान का मेंटेनेंस हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो बोले ऐसा तो कुछ नहीं होगा, चलेगा तो चल जाएगा, पर अगर कुछ तकलीफ हुई, छोटा सा एक 2 का पार्ट था या 2 का पार्ट था, वो टूटा हुआ है और उसने आपको चेंज नहीं किया, उसके कारण 2 का नुकसान हो सकता है। ये ना हो इसीलिए कंपनीज क्या करती है, शटडाउन रखती है। जब भी कोई प्लान यूज होता है, वो जब हवा में जाकर वापस जमीन पर आता है, उसका पूरा थोरो चेकअप होता है कि कहाँ से क्या करना है, पूरा चेक करके फिर वो वापस रखते हैं। कहीं पर कुछ भी डाउटफुल लगता है, दे जस्ट चेंज इट। रीजन इज क्योंकि वो सस्ता पड़ेगा। उसी प्रकार शटडाउन में भी यही होता है कि आप उसको चेंज करते हो, मेंटेन करते हो और वापस अपने प्लान को एक साल के लिए रेडी कर देते हो। उसी प्रकार हमारा शरीर है, इस शरीर को भी मेंटेनेंस चाहिए। हम सिर्फ उसे यूज किए जाएंगे और उसे कहीं पर किसी भी प्रकार का शटडाउन नहीं देंगे, देन अगेन द सेम प्रॉब्लम। नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। अगर ये ना हो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने शरीर को शटडाउन देना पड़ेगा। दिस इज अ शटडाउन। आधा घंटा जो मेडिटेशन है, दिस इज अ शटडाउन। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फिजिकली, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग मेंटली, वी आर जस्ट मेंटेनिंग। इस आधे घंटे के दौरान जब ये शरीर और मन आप ईश्वर को, भगवान को सौंप रहे हो, तब उसकी जो एनर्जी है वो आपके शरीर के अंदर जहाँ जहाँ रोग है, जहाँ जहाँ ऑयल की जरूरत है, ग्रीस की जरूरत है, पार्ट्स की जरूरत है, वो सब उसको रिकवर करती जाएगी। इवन फॉर द पीपल हु हैव हाई ब्लड प्रेशर, ऐसे छोटे छोटे जो रोग है, पर वो बहुत कॉमन हो रहे हैं। सो उस दौरान अगर आप ध्यान करते हो, नियमित रूप से ध्यान करते हो, तो कई लोगों को उनसे फायदा हुआ है। और ये करना ही चाहिए। एटलीस्ट हम, हमारा शरीर है तो हम है। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़े समय पहले एक आदमी से मिला था, हम इंडिया से आया था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मेरे हाथ में रोग है, मेरे पैर में, मेरे हाथ में रोग है, मुझे लंग का प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज देयर, ही इज लाइक मल्टी मिलियनेयर। फिर भी उसके पास, उसको जीने की मजा नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है और बिगड़ा। उसके बाद उसने सोचना शुरू किया कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो इट इज़ अवर राइट टाइम कि हम पहले से सोचना शुरू करें तो एवरीथिंग विल बी फाइन। हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आधा घंटा अपने आप के लिए देना है। दैट इज अ मेंटेनेंस इन माय ओपिनियन। कहने की बात सिर्फ इतनी है कि आपको जब ध्यान में बैठना है, शरीर को लूज रख के बैठो, आपकी कंफर्टेबल पोजिशन ले लो। एक बार बैठ गए फिर शरीर हिलाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। एंड द लास्ट थिंग इज, आपको आँख बंद करके बैठना है। पता चले ना पता चले, ध्यान लगे ना लगे, दैट इज नॉट योर पार्ट। आपको सिर्फ आँख बंद करके बैठना है। जो होना है वो अपने आप होगा, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। नहीं हो रहा है तो भी आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। यू हैव टू जस्ट बी सीटेड। ये 4 सेशन जो है, उस सेशन के दौरान मैं मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करके आपको ध्यान के एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। और अगर आप उसमें आँख खुली रख के बैठोगे, इट विल नॉट वर्क। एटलीस्ट उसका बेनिफिट दीजिए। और आखिर की बात है कि आपको
इस दौरान अगर ध्यान में बैठा हुआ शिक्षक, उस दौरान शरीर में अलग अलग क्रियाएँ होती हैं, कंपन होता है, दोलन होता है, मूवमेंट्स होती है, हंसना आता है, रोना आता है, आगे गिर जाते हो, पीछे गिर जाते हो, दैट्स फाइन। अगर वो हो रहा है तो होने दीजिए, उसकी चिंता मत करिए, सिर्फ जो हो रहा है उसे ऑब्जर्व करने का प्रयत्न करिए। सो ये हुआ फर्स्ट पार्ट ऑफ मेडिटेशन, एंड द सेकंड पार्ट इज रिलेटेड टू माइंड। जो भी मन में विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए। लेट्स से मैं आपके घर पे आता हूँ, मैं जब आपके घर पे आता हूँ आप मुझसे बात करने की शुरुआत करते हो, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वेदर ऐसा है, बहुत सारी बातें अलग 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 करते हो। आप बात करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ तो सही है। फिर दूसरी बार मैं सोचूंगा जाना तो इनके घर जाना चाहिए, और हमारा आधा घंटा घंटा कहाँ निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। दिस इज द वन सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, मैं आपके घर आता हूँ, आप मेरे से बात करते हो, सिर्फ बेसिक बात करके, आप भी नहीं बोलते हो, मैं भी नहीं बोलता, 5 मिनट मुझे पता चलेगा नहीं यहाँ पर मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो खड़ा होकर फिर दूसरा जो मेरे से बात करता है उसके घर पहुंचता हूँ। उसी प्रकार मन के अंदर जब हम ध्यान में बैठेंगे तब विचार आएंगे। व्यक्ति को डिप्रेशन होता है, क्यों डिप्रेशन होता है, क्योंकि सबसे पहला उसे नेगेटिव विचार आया कि मैंने ये जो किया वो बुरा किया, दिस इज द बेसिक थिंग। उसके पीछे दूसरे 10 विचार आके प्रूव करेंगे कि हाँ तुमने बुरा किया, उसके पीछे और 100 विचार आएंगे और वो क्या बोलेंगे, सही है तुमने तो वही बुरा कर, आप तो बुरे आदमी हो, खत्म, यू आर इन डिप्रेशन। सो द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन और टू बी हैप्पी, विचार की प्रक्रिया को आप खुद कंट्रोल करो। विचार की प्रक्रिया मतलब विचार को कंट्रोल नहीं करना है, और उसकी इम्पैक्ट कितनी होनी चाहिए उसको कंट्रोल करो। जिस पे आपको सोचना है, जिस पे आपको विच इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट उस पे आप सोचिए, पर जो दूसरे अननेसेसरी विचार हैं, अननेसेसरी थॉट्स, इंफॉर्मेशन, उसको आप प्रोसेस मत कीजिए। और आज तो जमाना ही क्या इंफॉर्मेशन का है, मोबाइल उठाइए, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। मुझे एक व्यक्ति का इतना किस्सा याद आ रहा है, उसको मेडिकल, नॉट मेडिकल एक्चुअली, बट अलग अलग डिजीज के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो वो क्या करता, कहीं पर बुक स्टोर में जाता, अच्छी सी बुक लेके आता, और ये रोग, ये डिजीज होता है उसमें क्या होता है, वो डिजीज होता है उसमें क्या होता है, वो सब पढ़ता रहता है, बहुत सारी बुकें पढ़ ली। फिर क्या हुआ, सी दिस इज अ फिल्टरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर क्या हुआ, उसको सर में दर्द होना, यहां पर दर्द हो रहा है, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी प्रोसेस्ड, जितनी 5, 7, 8, 10 बुक पढ़ी है वो सबका फिल्टरिंग होके उसकी सब कंक्लूजन निकल के फाइनली मुझे फोन उन्होंने किया कि भाई मुझको तकलीफ होगी। क्या तकलीफ होगी, मेरे को सर में दर्द है। ठीक है, वो सर में दर्द तो बहुत लोगों को होता है, कई कारण होते हैं। नहीं नहीं, पर मुझे जो दर्द हो रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आई हैव अ ट्यूमर। अच्छा, किसने बोला? बोला किसी ने, मुझे लग रहा है। बोला एक काम करो, आपको सही में ऐसा लग रहा है, दिस इज अ सीरियस थिंग, अगर आपको ऐसा लग रहा है जाओ डॉक्टर के पास, एक्सरे करवाओ, जो भी हमारे करवाना है वो करवाओ, एंड देन यू विल कम टू मी। तो उसने तो जाके सब एक्सरे वैक्सरे करवाया, और फिर जब वापस मुझे कॉल किया, मुझे बोला कि मैंने करवा दिया सब, चलो अच्छा है, क्या हुआ, डॉक्टर तो ना बोल रहे। अच्छा, तो फिर तो कोई पेशेंट ही नहीं। बोले नहीं, पर मुझे लग रहा है। तो फिर अब उसका कोई ऑप्शन ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि है, डॉक्टर भी ना बोल रहे, द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल एनीथिंग अबाउट पर्टिकुलर दैट थिंग, दैट इज अ डॉक्टर। अब वो बोल रहा है कि नहीं, और आप बोल रहे हो कि है, तो फिर अभी इसमें कुछ नहीं हो सकता। दिस इज इंफॉर्मेशन विच वी रिक्वायर, विच यू डोंट रिक्वायर। जो इंफॉर्मेशन तो हमारे पास बहुत सारे, आज तो मतलब आप गूगल पे जाइए और सिर्फ क्लिक करिए, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या हुआ, पर क्या इंफॉर्मेशन नेसेसरी है और क्या इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फिल्टर। अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको फिल्टर करके बिना ऐसे ही पकड़ के रखोगे, तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है।
सो दैट्स व्हाई नाउअडेज इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यू नीड अ फिल्टर एंड मेडिटेशन इज अ फिल्टर वेर यू कैन अंडरस्टैंड. आप समझ पाओगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, इसको प्रोसेस करो, नहीं नेसेसरी उसको छोड़ दो. मैं सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. हम जीवन में कोई भी प्रक्रिया करते हैं, व्हाट इज अ रिस्क ऑफ फेलिंग दैट, और उसमें कुछ तकलीफ हो वैसे कितना रिस्क है. जस्ट यू कैन मूव ऑन द रोड. आप रोड पे चलो, एक व्यक्ति रोड पे चल रहा है, 100 गाड़ी रोड पे से जा रही है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग हिट, कितने चांसेस है. अगर देखा जाओ बहुत है. आदमी एक गाड़ी, सो एक ने भी छू लिया, चांसेस 1%, एक की बात करो वो भी. पर कितनों के एक्सीडेंट, अपने इतने सारे लोग बैठे, कितनों के एक्सीडेंट हुआ, बहुत कम. द रीजन इज, सी दिस इज व्हाट द रिस्क दैट वी आर थिंकिंग अबाउट. हमारा दिमाग जो है रिस्क होता है उससे 300 गुना रिस्क बढ़ा करके आपके पास लेके आता है. एंड रियली इट डजंट वर्क. मैं जब छोटा था and this my I asked my guru that I am so scared, I'm so scared of ghost and everything. I cannot go in the darkness. Unhone kaha chalo theek hai, can you believe me. Unhone mujhe pucha, I can. Aap mujhe sikha rahe ho, aap mujhe dhyan sikha rahe ho, main aapko trust karta hu, that's fine. Bole main bolunga wo karoge, na karunga. पक्का करोगे, बोला हाँ हाँ करूँगा, पीछे नहीं जाओगे, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, गो इन द ग्रे वेयर, जाऊँगा कोई तकलीफ नहीं है. नो गो इन द ग्रे वेयर एट 1:30 इन नाइट, देन इट्स डिफिकल्ट. अरे भैया मैं पहले तो मुझे अंधेरे से डर लगता है, भूत से डर लगता है, और अब वो सब वही सब चीज़ों के सामने आप मुझे रख रहे हो, व्हाट इज दिस. बोले ठीक है, तुमने मुझे बोला था, मैंने आपको सॉल्यूशन दिया, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन, इफ यू डोंट दैट्स फाइन. बोला नहीं चलो ठीक है, आपने बोला है, आई ट्रस्ट यू, मैं जा रहा हूँ. मैं तो तैयार होके गया था कि वापस नहीं आऊंगा, मतलब आने नहीं देंगे ऐसा सोच के गया. बहुत सारा मैंने सोच लिया था, ये होता है, वो होता है, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये आएगा, वो आएगा, आई हैव सीन नंबर ऑफ हॉरर मूवीज, तो वो सब फिल्टर होकर बाहर आने लगे. बिफोर आई एंटर Everything is in my mind. मैं जाके वहाँ पर खड़ा हुआ, थक गया, थोड़ी देर खड़ा रहा, थक गया, नहीं बैठना था पर बैठना पड़ा, थक गया इसलिए बैठा. एक थोड़ी छोटी सी मूवमेंट होती है, ये घबराना भी 5-10-15 मिनट आधा घंटा हुआ, फिर पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है, ना अंधेरे से कुछ हो रहा है, ना भूत के कोई आ रहे. फिर तो सोच रहा था क्यों नहीं आ रहा, पहले ऐसे सोच रहा था आएंगे तो क्या करूंगा, अभी मैं सोच रहा था क्यों नहीं आ रहे, व्हाट इज दिस. एंड अल्टीमेटली माय गुरु जस्ट टोल्ड मी दैट यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, व्हाट एवर योर माइंड इज सेइंग, यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग. मैंने सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना शुरू रखा, एंड एट द एंड कुछ नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था, उसका 1% भी नहीं हुआ आउट ऑफ 300%. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, माइंड is created to make a projection more than whatever it is, like 1% hai uska wo 300 guna kar sakta hai. So what we have to do, let me go to the meditation part. But what we have to do, jab hum dhyan mein baithte hain, vichar aayega, bahut strong vichar aayega. Main ek sadhak tha, unka mujhe ek prashna tha ki main jab dhyan mein baithta hu, I am a strong believer of Ganesh Bhagwan, main unko bahut manta hu. Aur jab mujhe main dhyan mein baitha तो क्या होता है, मैं जैसे ध्यान में बैठता हूँ, मुझे ऐसा विचार आता है कि मैं गणेश भगवान को लकड़ी से मारा हूँ. आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस. मैं उनको मतलब पूजन करता हूँ, मैं उनका, मैं ये देख ही नहीं सकता, ये सब विचार मैं सोच ही नहीं सकता. मैंने उनसे पूछा सही में मतलब कुछ तो होगा, लेट मी रिसर्च ऑन दिस. मैंने उनसे पूछा मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें मैं चाहता हूँ, मैंने प्लान की होती है, गणेश भगवान को भी बोल के रखी होती है कि ऐसा होना चाहिए, पर नहीं होता है, बहुत नुकसान, क्योंकि वो तो निकलेगा ही निकलेगा. देन यू आर स्केयर्ड विद दैट, बट अल्टीमेटली दिस इज वॉट एवर इज कमिंग आउट, आपके अंदर से जो बाहर आ रहा है, दैट इज वॉट यू हैव थॉट, आपने सोचा इसलिए बाहर आ रहा है, वेदर इट इज गुड बैड और वॉट एवर, डोंट गिव द नेम, उस
उसको नाम मत दे दीजिए कि अरे ये तो अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. डोंट गिव द नेम, जस्ट लेट इट कम एंड लेट इट गो. ये प्रक्रिया है बहुत सरल. भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर इस प्रक्रिया का नाम दिया है साक्षी भाव. बी विटनेस, यू हैव टू बी विटनेस वॉट एवर इज कमिंग एंड वॉट एवर इज गोइंग. अगर ये समझ में आ गया, इसका अनुभव शुरू हो गया, आप इसको करने की शुरुआत कर दीजिए. यू आर वेरी क्लियर विद दिस. मेडिटेशन इज वेरी सिंपल. आने दीजिए और जाने दीजिए. और इन अदर वर्ड्स आई कैन से आपको क्या करना है, आंख बंद करके आप बैठ गए. नाउ योर बॉडी एंड माइंड इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेचर, गॉड, भगवान, वॉट एवर यू से. If it is their responsibility and whatever coming in your mind, don't worry about it. In short, ध्यान में आपको क्या करना है, विचार को आने देना है, आने देना है और जाने देना है. This is what you will do. Don't give name, don't involve yourself, just let it come and let it go. This is perfect key for the meditation. फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा, विचारों की प्रक्रिया अपने आप कर्म होने लगेगी, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट कीप इन माइंड, इफ यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द थॉट्स, करके देखिए. सीधी सी बात है, आई एम मोर बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स. मैंने भी ये करके देखा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी करके देखिए. विचारों की प्रक्रिया कम करने का तो प्रयत्न कीजिए. I have one guy in Amreli, Gujarat. उसने मुझे बोला कि मुझे तंबाकू नहीं खाना है. क्या बोलते हैं, मसाला, पान मसाला, राइट. मैंने बोला तो आपने नहीं खाना है सही है, पर आपने छोड़ने का प्रयत्न किया. मैंने उसका एनालिसिस किया क्या हुआ, तो उसने मुझे क्या बोलते, कहा मेरा बहुत बार छोड़ने का प्रयत्न किया. क्या होता, मैं डिसाइड करता कि कल सुबह से नहीं खाऊंगा, तो आज 5 की जगह पर 10 खा लेता हूँ, खत्म. तो आज 10 का हो गया कोटा. फिर कल सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती थी, पहला थॉट जो मेरे में जनरेट होता था वो क्या था, आज से तो नहीं खाना है, आज से तो तंबाकू नहीं खाना है. और इट क्रिएट्स अ डिस्कम्फर्ट. जितनी बार मैं सोचता हूँ नहीं खाना है, शुरू, नहीं खाना है, शुरू. फिर उसने डिसाइड किया था एक बार तो कि भाई मैं अपने पैसों से नहीं खाऊंगा. तो उसने क्या किया, अपने दोस्त को बोला तू मेरे को खिला, मैं तेरे को खिला. व्हेन इट इज अ मैक्सिमम डिस्कम्फर्ट, एकदम मैक्सिमम हो गया, बोले मैं तेरे को खरीद के देता हूँ, तू मेरे को खरीद. बोले वो बोले पर तू तेरे पैसे से खा, मैं मेरे पैसे से खाता हूँ. नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, मैं तेरे को गिफ्ट करूँ, तू मेरे को गिफ्ट कर, खत्म. टैक्सेशन में होता है ना कि गिफ्ट देते हो तो आप क्या करोगे, 50% आप इसको दे दो, वो आपको सामने देगा, दोनों को एग्जम्पशन मिलेगा, गुड थिंग. तो सी दिस इज द वे, दिस इज द पावर ऑफ माइंड, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. हमें क्या करना है, सिर्फ विचारों को आना है और आने विचारों को जाने देना है. उसका प्रेशर खड़ा होगा, बट एज एंड व्हेन यू कीप डूइंग इट, इट विल बी लेस एवरी टाइम, इट बिकम लेस. जितना प्रेशर कम होगा, आपको जीवन में आनंद का अनुभव ज्यादा होगा. जितना प्रेशर ज्यादा होगा, आपको जीवन में आनंद का अनुभव. सो जस्ट कीप डूइंग. तो इस प्रकार से हमें ध्यान करना है. ध्यान के पहले हम 4 क्रियाएं लेते हैं. 4 क्रियाओं में से पहला आता है ओम का उच्चार. ओम का उच्चार जो होता है उसमें क्या करना, मैं आपको सिर्फ एक बार बता देता हूँ. सांस लेना है, स्टमक आपका, पेट बाहर आना चाहिए. ओम का उच्चार करना है, पेट धीरे 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 अंदर जाना चाहिए. मैं आपको काउंटिंग दूंगा, एक बोलूंगा तब सांस लेना, दो बोलूंगा तब आपको उनका उच्चार करना. दूसरा जो प्राणायाम आता है उसको बोला जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे बोला जाता है नाड़ी शोधन प्राणायाम. नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब होता है
कि आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में तीन दोष हैं, वात पित्त एंड कफ। ये तीनों की एक मात्रा है, अगर वो मात्रा इक्वल होती है तो हमारा जो भी रोग होता है वो कंट्रोल में होता है या फिर वो कम होने लगता है। बढ़ती है किसी एक प्रकार की मात्रा तो वो रोग ज़्यादा हो जाता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का मतलब ये होता है कि वो नाड़ी का शोधन करके जो तीनों प्रकृति के दोष है वो तीनों को सम कर देगा, जिससे कि आपका बॉडी बेसिक लेवल पे आ जाएगा। तो इस नाड़ी शोधन प्राणायाम को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज के लिए, या फिर ज़्यादातर सब रोग के लिए इसे इफेक्टिव माना गया है। मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना है। अपना दायां हाथ लेना है, लेफ्ट हैंड पुट द थंब ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मस्टर, लास्ट टू फिंगर्स ऑन द राइट साइड, रिमेनिंग टू फिंगर्स ऑन द सेंटर, एंड देन यू हैव टू इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, क्लोज द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, क्लोज द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। So this is one process, zigzag, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So इस प्रकार से आपको सोहम करना होगा, सॉरी अनुलोम विलोम प्राणायाम करना होगा। मैं उसका काउंटिंग देता हूँ, एक बार हम साथ में करते हैं, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, यू विल बी मोर क्लियर विद दिस। फिर से अपना पोजिशन ले लीजिए, अब हमको लास्ट लेफ्ट साइड पे नॉस्ट्रल में रखिए, राइट साइड पे बीच की दो उंगली यहाँ पर जहाँ तिलक करते हैं वहाँ लगाइए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. सो इस प्रकार से हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करने हैं, करीबन हम 40 बार इसे करेंगे। अब इसके बाद आता है सोहम। सोहम के दो प्रकार है, छोटे सोहम और बड़े सोहम। छोटे सोहम के अंदर थोड़ी मात्रा में सांस लेना है, थोड़ी मात्रा में सांस को निकाल देना है। जब मैं बोलूँगा एक सांस लेना है, दे बोलूँ दो बोलूँगा तो सांस को निकाल देना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। इस प्रकार से आपको छोटे सोहम करना है, उसके बाद आते हैं बड़े सोहम। बड़े सोहम के अंदर सांस लंबा लेना है, लंबा निकालना है, जितना हो सके उतना सांस लेना है, उतने लेवल तक लेना है कि अब आप सांस नहीं ले पाओगे, और फिर उतना निकालना है कि अब आप सांस नहीं निकाल पाओगे। वो दोनों मैक्सिमम पे ले जाना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। दोनों आप इस तरह से घुटनों पे रखना है, तो इस प्रकार से आपको लंबे और छोटे सोहम करने। लंबे सोहम पहले छोटे सोहम करेंगे 30 बार, फिर लंबे सोहम छोटे लंबे, मतलब ऐसे करके 3 बार पूरा सेट करना है। उसका काउंटिंग आपको दूंगा, और जब आप सांस ले रहे हो तो मन में उच्चार करना है, सो सांस निकाल रहे हो तो मन में उच्चार करना है। तो ये हुई प्राणायाम की प्रक्रिया। अनुलोम विलोम और सोहम करते समय ये प्राणायाम कभी आपने अगर नहीं किया है, शरीर में अगर कहीं पर खिंचाव आता है, कुछ टेंशन लगता है, तो आप क्या करिए, थोड़ा उसको स्लो कर दीजिए और वहाँ से स्टॉप हो जाएगी, दोनों चीज़ हो सकती है। तो इस प्रकार आपको ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और सोहम करना है। और आखिर में खेचरी मुद्रा आती है, खेचरी मुद्रा उसमें आपको क्या करना है, जीभ को मुड़ाना है, मुड़ा के पीछे की तरफ ले जाना है, जीभ को यहाँ तालवे पे लगाना है, ऊपर वहाँ पर लगा के उसको टच करके जितना पीछे ले जा सको उतना पीछे ले जाना है। इस दौरान आपके मुंह में पानी आएंगे, तो ये जो पानी है उसे बोला जाता है सोम रस। इस पानी को पीने से आपकी जितनी भी पेट की तकलीफ होती है वो कम हो जाती है। मैंने सुबह बताया कि ये प्रक्रिया करने से अगर आपको एक्सट्रीम एसिडिटी हुई हो तो उसका भी आपको लाभ मिलता है। थर्ड बेनिफिट इज, लेट्स से आप किसी सिचुएशन में हो कि जिस सिचुएशन में आपको कुछ एक्सट्रीम डिसीजन लेना है, बट यू आर सो कंफ्यूज्ड, स्टेबल नहीं हो पा रहे हो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ क्या करो, पर स्टेबल होना जरूरी है। सो इन दैट केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है, यह प्रक्रिया करनी है। उस समय सिर्फ आप 1 या 1.5 मिनट या 2 मिनट वह प्रक्रिया करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ गया,
बहुत गुस्सा आ गया मतलब कि आपकी पूरा सिस्टम बिगड़ गया, अभी आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। सो इन दैट केस जस्ट डू इट फॉर 1.5 मिनट और 2 मिनट्स, ये 2 मिनट प्रक्रिया करोगे अपने आप आपका माइंड जो है न्यूट्रल लेवल पे आ जाएगा वेर यू कैन टेक अ डिसीजन। तो इस प्रकार से इस खेचिंग मुद्रा का हम उपयोग रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। अभी हम मेडिटेशन की बात करें तो मैं 15 सेकंड के बाद आपको बोलूंगा ओम शांति शांति शांति, तब आपको खेचिंग मुद्रा छोड़ के शांति से ध्यान में बैठ जाएंगे। तो अब हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। एनीवन है एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो पूछिए, इट शुड इट विल बी वेरी क्लियर कि अगर आप पूछते हो तो मुझे बताने में और अच्छा रहेगा। फाइन ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गणेश भगवान को याद करेंगे, आद्य गुरु श्री कृष्ण भगवान को याद करेंगे, पूज्य गुरु जी को हम याद करके ध्यान की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओम का उच्चार, एक दो ओ।
टू One, two, 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 one,
Long breathing.